खिलाड़ी एंड जो हमने एवी में देखा हीरो सारे करें, तो आप बताइए कि कैसा एक्सपीरियंस? बहुत ही शॉकिंग एक्सपीरियंस था एक्चुअली. ये शो मैंने इसीलिए किया क्योंकि जितने भी लोगों ने, मेरे फ्रेंड्स ने ये शो पहले किया है, उन्होंने कहा कि एक लाइफ टाइम में कमाल का एक्सपीरियंस है और इसे ज़रूर, ये शो को ज़रूर करना चाहिए. तो इसीलिए मैंने ये शो किया और वाकई में जो भी उन्होंने मुझे कहा था, इट इज़ ट्रू कि वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी होती है खतरों के खिलाड़ी जैसा शो करने की, और वो मैं मिस नहीं करना चाहता था. मतलब दो तीन बार पहले भी ऑफर हुआ था, लेकिन डांस दीवाने करता था तो डेट्स हमेशा क्लैश होती थी. तो इस साल सब चाहते थे कि मैं खतरों के खिलाड़ी करूं, और मैं भी चाहता था कि मैं करूं, बिकॉज़ ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहां आप अपने फियर्स को हेड ऑन फेस करते हो. तो मैंने वही किया, काफ़ी सारे यू नो फियर्स के साथ गया था. मतलब कैसे बताऊं, ठंडे पानी से. खास करके हम में से कोई भी ठंडे पानी से डरता ही है, और वहाँ 4 डिग्री पानी में यू नो स्टंट्स करने थे. यूजुअली बैक वगैरह सब क्रैम्प हो जाती है, मसल्स टाइट हो जाते हैं, कुछ भी करना मुश्किल है. खाली पानी में डुबकी लगा के बाहर आ जाओ तो इतनी ठंड लगे. तो लेकिन वहाँ 15-15, 20-20 मिनट आप वैसे पानी में हो, ताला चाबी खोल रहे हो, कभी फ्लैग निकाल रहे हो, तो बहुत मुश्किल था. दूसरी बात, शॉक का मुझे एक्सपीरियंस हम में से किसी को वैसे होता नहीं है, लेकिन वहाँ इतने शॉक लगे मुझे, इतने शॉक लगे कि वो एक फोबिया है जो मैं वहाँ से लेकर आया हूँ. तो अभी घर में भी कभी स्विच होता है ना, तो ऐसे धीरे धीरे छूता हूँ उसको, डायरेक्टली छूने से डर लगता है. इट इज़ दैट बैड, बिकॉज एकदम चेस्ट में है ना, ऐसा थम करके आपको लगता है, इट गोज़ डाउन थ्रू योर लेग. और स्टंट इतने वो लोग मुश्किल कर देते हैं, क्योंकि अभी जैसे शॉक का स्टंट है तो पहले आपको गीला कर देंगे, आप बेयर फुट हो, तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है फिर स्टंट्स करना. सो बट ओवरऑल इट्स बिन अ गुड एक्सपीरियंस. काफ़ी मुश्किल शो है एंड इट्स अ कंप्लीट पैकेज इन टर्म्स की एंटरटेनमेंट भी है, मस्ती भी है, स्टंट्स भी है, सीरियसनेस भी है. तो आई थिंक खतरों के खिलाड़ी जब भी किसी को ऑफर होगा, मैं अपने सारे एक्टर फ्रेंड्स को कहना चाहूँगा, या जो भी अगर यू नो इट्स अ गेम नॉट ओनली अबाउट फिजिकल स्ट्रेंथ, लेकिन बिलपार का भी गेम है. बहुत मेंटली फिट होना पड़ता है आपको इन टर्म्स ऑफ कि मैं कर लूँगा या मैं कर सकता हूँ, ये जज्बे के साथ ही जाना चाहिए, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी. अर्जुन, हमने जब रोहित शेट्टी से पूछा कि कौन से कंटेस्टेंट ने आपको बहुत ज़्यादा सरप्राइज किया, तो उन्होंने बहुत सारे नाम लिए जिसमें आपका भी एक नाम था, और कहा अर्जुन मस्ती में बहुत ज़्यादा किया और बहुत एंटरटेन उसने बहुत किया. जी देखिए, जब मुझे जनरली मेरा लाइफ में ही, आप सब काफ़ी टाइम से जानते हैं मुझे, तो आपने देखा होगा कि मैं कोशिश करता हूँ कि फ़न एलिमेंट जो है कभी लाइफ से कम ना हो. हालांकि स्टंट्स बहुत मुश्किल होते थे, बट देर आर टू वेज टू डू इट. या तो आप बहुत ज़्यादा उसको सीरियसली कर लो, या तो आप क्या होता है, जब आप एंटरटेनमेंट वाले जोन में रहते हो या उस जोन में रहते हो, तो काफ़ी सारी चीज़ें आसानी से हो जाती हैं. तो खास करके शॉक वाले स्टंट में तो मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता था ताकि मैं वो सहन कर पाऊँ उस शॉक को, और मस्ती करता था ताकि मेरा माइंड डाइवर्टेड रहे. तो मैंने वही किया वहाँ पर. एंड यस, रोहित सर ने इसलिए भी कहा क्योंकि जब मैं जीतता था तो मैं ज़्यादा यू नो हुआ नहीं करता था उस बारे में, बिकॉज़ एक स्टंट हो जाता है फिर आपको नेक्स्ट स्टंट करना है, उसके बाद दूसरे दिन फिर एक और स्टंट करना है. तो आई टुक वन डे यू नो एट अ टाइम, वन स्टंट एट अ टाइम, और मैं चाहता था कि मैं हर स्टंट अच्छे से परफॉर्म करूं. कुछ अच्छे किए, कुछ इतने अच्छे नहीं हुए, बट अब पूरी जान लगा दी थी स्टंट करने में. सबसे टफ कॉम्पिटिटर कौन है, कौन लगा? आई थिंक मुझे लगता है कि अगर आप एक विनिंग इंटेंशन से आते हो तो आपको किसी को भी वीक नहीं समझना चाहिए. तो मुझे लगता है 12 के 12 को मैं ये सोच के आया था कि ये टफ है, और अगर मुझे जीतना है तो मुझे 12 को हरा के जीतना होगा. तो मेरा एटीट्यूड टूवर्ड्स मतलब दोस्ती अपनी जगह पे थी, वी टू हैव अ लॉट ऑफ फन, बट जब स्टंट्स होते थे तो मैं यही सोचता था कि मुझे अच्छा करना है. देखो टाइमिंग में तो पता नहीं होता है, वो आपके हाथ में नहीं है, कौन जल्दी करे कौन कम जल्दी करे, लेकिन टू कम्प्लीट अ स्टंट इज़ वॉट माई यू नो ऑलवेज फोकस यूज टू बी. और उसका एक और बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है कि वो है लोग.
जो आपके फैंस होते हैं वो एक एक्सपेक्टेशन के साथ आपको देखने आते हैं इस शो पर, खतरों के खिलाड़ी। उन्होंने आपको फिक्शन शोज़ में देखा है, रियलिटी शोज़ में दूसरे भी देखा है, लेकिन ये शो बहुत अलग है। इट इज़ यू नो योर मेंटल स्ट्रेंथ एंड योर फिजिकल स्ट्रेंथ, एंड साथ में आपको एंटरटेन भी करना है। तो मैं हमेशा अपने यू नो जो लोग मुझे प्यार करते हैं उनके बारे में सोचता था कि मैं उनको किसी भी वे में डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता था, बिकॉज ऐसा नहीं लगना चाहिए यार मैं इसे आइडियलाइज़ करता हूँ, मैं इसे पसंद करता हूँ और ये यू नो उतना मतलब अपना पूरा एफर्ट नहीं दे रहा है इस शो में या इस स्टंट में। तो मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं उनको खुश रखूँ और वो जो मुझसे इतना प्यार करते हैं वो प्यार बरकरार रहे।